कितना सीसी है? 950। भाई एक साइड का बिल्कुल ही खत्म हो गया है, जरा भी इसका नहीं बचा कि भाई ब्रेकिंग थोड़ी भी लगे। और रहा इसका योग, तो ये यहाँ से क्रैक कर गया था। ओ ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ अविस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से हो गए। एंड गाइज, आज है मंडे और सॉरी कल संडे वाला ब्लॉग आज नहीं आ रहा है, बिकॉज कल एक्चुअली मैं पटना गया था अपने इस गॉब्लिन के काम से ही। तो भाई काम अपना ये था कि ना आगे वाला जो डिस्क पैड है वो लेफ्ट साइड वाला, वो क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा घिस गया है, जिसकी वजह से उसमें से आवाज़ आ रही है। आई मीन लेफ्ट साइड वाला जो डिस्क पैड है वो मतलब ख़त्म है, तो भाई उसे हमें चेंज कराना पड़ेगा। तो कल मैं पटना गया था एंड कल संडे था तो सर्विस सेंटर भी बंद था, बट कैसे कैसे मुझे मेरा डिस्क पैड मिल गया है। भाई मैंने सोचा चलो इसको चेंज करा लेते हैं। भाई अपने बाइक में एक तो ये वाली दिक्कत आ रही थी, तो ये तो आज सॉल्व हो जाएगा। एंड गाइस, कुछ बाइक में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, तो भाई उसकी तैयारी चल रही है। तो मे भी हो सकता है एक दो दिन ब्लॉग ना आए, बिकॉज बहुत लंबे वाले, इसमें थोड़े खर्चे भी होंगे और बाइक का जो लुक है वो पूरा चेंज हो जाएगा। आई मीन मैं पूरा ग्राफिक्स कराने वाला हूँ बाइक पे। एंड गाइज, ये अपना डिस्क पैड चेंज हो रहा है, तो सनी भैया ने इसको निकाल दिया है। और भाई अपना पुराना वाला जो डिस्क पैड है वो देख सकते हो, भाई एक साइड का बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ज़रा भी इसका नहीं बचा कि भाई ब्रेकिंग थोड़ी भी लगे। और इस साइड में तो फिर भी बचे हुए हैं थोड़े बहुत, बट इधर का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सपाट हो चुका है। तो भाई इसे भी हम लोग चेंज करा रहे हैं। बट देखो ऐसा नहीं है गाइस कि ब्रेक लग नहीं रही थी, ब्रेक तो लग रही थी, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जब भी चक्का गोल गोल घूम रहा था ना, तो ये सरसर सरसर की आवाज़ आ रही थी इसमें से, जो कि मुझे नहीं पसंद थी। एंड उससे अपना ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट भी ख़राब हो सकता था। तो भाई हम लोगों ने इसे निकलवा दिया है। एंड ये तो थोड़ा बहुत बचा है, बट फिर भी मैं इस साइड वाला भी चेंज करा रहा हूँ। तो भाई ये है अपना दोनों न्यू, तो ये सिरेमिक पैड है, तो इसे भी हम लोग लगवा रहे हैं। एंड लगवाने के बाद फिर हम लोग ब्रेकिंग देखेंगे कि इसकी ब्रेकिंग कैसी आ रही है। तो यार जब से अपन लोग गॉब्लिन यूज़ कर रहे हैं ना भाई, इसको क्या गंदी हुई है, तो इसको धुलवाया भी नहीं हमने। अभी इसका जो योग है ये अंदर वाला, ये टूट गया था, तो इसे हम लोगों ने चेंज कराया है। तो भाई अभी हम लोग टीवीएस का जेन्युइन पार्ट्स लेकर आए। एंड ये रहा इसका योग, तो ये यहाँ से क्रैक कर गया था, ये हम लोगों ने चेंज कराया है। तो भाई ये पूरा सेट दिया था, तो हम लोगों ने ये नया पीस रख लिया है एंड ये पुराना वाला इसमें सेट लगाया है। और सिर्फ हम लोगों ने इसका योग खोल के और चेंज कर दिया, बाकी ये जो है ये टूटा हुआ है। तो भाई अपने जेरी का भी काम हो गया है। एंड गाइस, फाइनली अपना डिस्पैच लग गया एंड अपने जेरी का भी काम हो गया है। भाई एक साथ मैं दो गाड़ी नहीं संभाल सकता, बिकॉज इसलिए मैंने सदाब बाबू को भी साथ में लेकर आया, ताकि सदाब बाबू अपनी जेरी को भी ले चले। और अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं भाई अपनी बाइक पे ग्राफिक्स कराने के लिए अपनी गॉब्लिन की। तो भाई अभी आपने गॉब्लिन का जो भी लुक देखा है वो ग्रीन एंड ब्लैक में देखा था, एंड ये मैंने थोड़ा सा आगे जो कार्बन फिनिश कराया है ये है। बट गाइस, अब आप लोग देखोगे अपने गॉब्लिन को एक नए अवतार में, तो भाई देखकर तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और भाई इधर का रोड भी माशाल्लाह क्या ही बताया जाए, देख सकते हो पूरा डबल डेकर का काम चल रहा है यहाँ पे। भाई आगे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है डबल डेकर, तो भाई इधर का काम लगभग कम्प्लीट होने वाला है, बस ब्रिज रखना है एंड रोड्स बनाने हैं नीचे वाले। उसके बाद भाई साहब अपनी गॉब्लिन को उड़ाने में क्या ही मज़ा आएगा। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं सम्मू भैया के पास, यानी अपने कॉन्सेप्ट मॉडिफिकेशन में, और वहाँ भी होगी अपनी Z900 यानी अपनी गॉब्लिन की ग्राफिक्स चेंजेस। तो भाई एक ही बार ये पटाखे फटने वाले हैं और तुम्हारा भाई बम फोड़ेगा बूम, और फिर आप लोग देखोगे भाई अपनी गॉब्लिन को एक नए अवतार में। भाई मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार कितना ज़्यादा सही लगेगा। भाई ये था बच्चों का प्यार, भाई भाई का रिएक्शन देख लो।
क्या हो भैया? 300 कितना सीसी है? 950 भाई जिंदगी में और क्या ही चाहिए, बस ऐसा वाला पिकअप। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कॉन्सेप्ट मॉडिफिकेशन। तो भाई यहाँ हम लोग कराएंगे अपना ग्राफिक्स चेंज और अपनी Z900 हो जाएगी पूरी की पूरी चेंज। आप ग्राफिक्स देख रहे हो टैंक पे, आपने वीडियोस में भी देखी होगी कि ये टैंक पे लगा था। तो भाई मैंने ये जो कार्बन वाला रैप कराया था ना, तो उसी टाइम मैंने ये वाइट ऐड करा के देखा था कि अपनी बाइक पे वाइट ग्रीन के साथ कैसा लग रहा है। तो भाई बहुत ही सही जम रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार पूरे वाइट का फुली ग्राफिक्स कराते हैं पूरी बाइक पे, देन हम लोग बाइक का लुक दिखाएंगे कि भाई पूरे जब बाइक पे वाइट जो रैप होगी उसके बाद बाइक अपनी कैसी लगने वाली है। तो भाई ये मैंने थोड़ा सा बस ऐसी एज ए एग्जाम्पल लिया था, तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कमेंट करके कि ये आपको वाइट के साथ ग्रीन के साथ ये वाइट कैसा जम रहा है। तो ये ओनली टैंक का लुक है, अभी पूरी फुल बाइक पे जब ग्राफिक्स आएगी ना फिर बाइक का असली मज़ा आएगा। तो चलो बाइक पे पहले ग्राफिक्स लाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वीडियोज़ में कि अपनी पूरी ये गॉब्लिन कैसी लुक दे रही है। फाइनली अपनी हम लोग गॉब्लिन को भाई कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन में दे चुके हैं ग्राफिक्स के लिए। तो भाई उसके ग्राफिक्स का काम चलेगा। तो भैया ने 2 दिन का टाइम मांगा है और मैंने बता दिया कि भैया को क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो भाई जब अपनी गॉब्लिन कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई कैसा लग रहा है अपना गॉब्लिन का लुक। तो फिलहाल अपनी जेरी को इसलिए लेकर आए थे भाई ताकि हम लोग बाइक दे दें और अपनी जेरी के साथ फिर घर जाएँ, बिकॉज घर जाने के लिए कुछ होना चाहिए यार। एंड बहुत जल्द हम लोग अपना हेलमेट भी चेंज करने वाले अपने Z900 के लिए। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि MT का हेलमेट लूँ या एक्सोर का हेलमेट लूँ, बिकॉज दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो भाई फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और बाकी इस पर भी अपना चैनल का नेम है भाई, तो देख सकते हो बाइकर आवेज। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।